हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री बाय पूनम। टुडे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर। नाउ द टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्री क्या होती है, ठीक है। ग्रेविमेट्री एक एनालिसिस एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम एस्टीमेशन ऑफ सब्सटेंस बाय वेट करते हैं, बाय वेट, बाय वॉल्यूम, बाय कंसंट्रेशन, उसको जानते हैं कि उसका अमाउंट कितना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे एस्टीमेट कर सकते हैं, बाकी जो भी उसमें आयंस प्रेजेंट है उनसे उसको आइसोलेट करके, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मान लो एक सोल्यूशन में चार आयन है, ठीक है, तो मुझे एक आयन की कंसंट्रेशन जाननी है, तो मैं क्या करूँगी, उसे आइसोलेट कर लूँगी। तो बहुत सारे आयन्स में से अगर मुझे क्या करना है, एक आयन को आइसोलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि प्रेसिपिटेट करके या टाइट्रेशन करके या किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, उसे अलग कर लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम उसे टाइट्रेशन से करते हैं, टाइट्रेशन से जानते हैं, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ही वो पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रेसिपिटेशन से अमाउंट ऑफ द आयन जानेंगे, दैट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्री। ग्रेविटी इज अ टर्म दैट मीन्स टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी का मतलब है, ग्रेविमेट्रिक का मतलब है कि हमने इस फंडे को ही लेना है, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक का मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें जो तैरते हुए पार्टिकल है उनको ग्रेविमेट्रिक करना है, मतलब नीचे बैठाना है, ठीक है। जो आयन सॉल्यूशन की फॉर्म में थे उनको हमें नीचे बैठा के यहाँ पीपीटी बनाना है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे वो दिखाई देने लग जाएंगे, और सारे के सारे आयन क्या करेंगे, नीचे बैठ जाएंगे सॉल्यूशन में, और हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके वे से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में हमारा आयन्स प्रेजेंट था, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, उसमें कोई सुटेबल रिएजेंट, मतलब जो कि जो ये सॉल्यूशन में आयन्स प्रेजेंट है इसको नीचे बैठाने का काम करे, सुटेबल रिएजेंट ऐड करते हैं और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, अब नमक है, पानी में घुल जाता है, तो NaCl के सॉल्यूशन में से Cl को अगर मुझे क्या करना है, एस्टीमेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसमें AgNO3, क्या AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करूंगी। ऐड करने से क्या होगा, AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उन्हें हम वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे और क्या कर देंगे, एस्टीमेट कर लेंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने Cl लिया, सैंपल में था, जो भी हमारा सैंपल था, जैसे मान लो मैंने 10 ग्राम NaCl पानी में डिजोल्व किया, उसमें AgNO3 का सॉल्यूशन में डाल दी गई, धीरे धीरे हिलाती गई, डालती गई, और AgCl के पीपीटी बनते गए, उन्हें वॉश कर लिया, मतलब पहले अलग कर लिया, छान के फिल्ट्रेशन से या सेंट्रीफ्यूगेशन से, जैसे भी आप चाहो, वॉश करके उसे, फिर उसके बाद उसे पानी से धो लिया, उसके बाद ड्राई कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेरे को ऐड करना है ना रिएजेंट, वो एक्सेस में ऐड करूंगी मैं। AgCl जो मेरा प्रेसिपिटेट आउट हुआ वो उसमें Cl नेगेटिव था, है ना, तभी तो वो बना नीचे, Cl नेगेटिव तो आए गए। अब जो मेरा एक मॉलिक्यूल AgCl का बना, ठीक है, वो 143.5 ग्राम का मान लो है, ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक मास 143.5 ग्राम 5 है, ठीक है। जो ये एटॉमिक मास यूनिट उसकी 143.5 ग्राम है, या जो एक वन मोल मैंने लिया है उसके अंदर 35.5 ग्राम Cl नेगेटिव है, 35.5 ग्राम या 35.5 ग्राम AMU, ठीक है, क्या है, Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया, अगर 43.5 ग्राम मेरा रिजल्ट आता है, उसका मतलब उसमें Cl जो है 35.5 ग्राम है, ठीक है। तो मुझे Cl निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 43.5 ग्राम में है इतना, एक में है दिस डिवाइडेड बाय दिस, और x में जितना मैंने लिया था, ठीक है, जितना मैंने x ग्राम लिया था उसमें कितना है ये, ठीक है। तो जितना भी मेरा रिजल्ट आया, एक्चुअली ये जो है, ये है हमारा कितना मेरा वे आया है AgCl का। मैं मान के चल रही हूँ कि 143.5 ग्राम अगर मेरा आता है तो उसमें मेरा 35.5 ग्राम Cl नेगेटिव होता है, और अगर मेरा वन आता है तो दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, और अगर मेरा मान लो 4 ग्राम आता है रिजल्ट, ठीक है,
तो 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 मल्टीप्लाइड बाय जो मेरे प्रेसिपिटेट आए हैं जिनको मैंने वॉश करके ड्राई किया था 4 ग्राम, तो इस तरीके से क्या हुआ ये आगे निकल गया। ठीक है, अब मैंने अब जो 4 ग्राम आए थे उससे मेरे को मिले हैं इतने सीएल। अब ये सीएल जो आए हैं ये कहाँ से आए हैं, जो मैंने सैंपल लिया था, जो मैं कह रही थी कि मैं 10 ग्राम NaCl पानी में डिजोल्व किया। ठीक है, तो ये तो 10 ग्राम इज माई अजम्पशन, मैंने डब्ल्यू ग्राम लिया था। एग्जैक्टली डब्ल्यू ग्राम ऑफ द सैंपल कंटेन वाई ऑफ सीएल नेगेटिव, तो परसेंटेज कितनी आएगी, वाई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसी तरीके से ये तो मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैग्नीशियम कोई किसी भी फॉर्म में सैंपल में है, मैं मान लो MgSO4 का ही सॉल्यूशन है वो, उसमें अब मुझे क्या करना है, Mg को एस्टिमेट करना है, तो मैं क्या करूंगी उसमें अमोनियम फॉस्फेट डालकर अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का जो है PPT बन जाएंगी। ठीक है, ये PPT जो बने इसमें से हमें क्या करना है, इसे हीट करना है और Mg2P2O7। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब एक ही मॉलिक्यूल अगर मान लो मेरा आता है तो उससे मुझे 2 Mg मिलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये जो 1 Mg एक मॉलिक्यूल इसका बनता है वो हमें 2 Mg देता है। ये इसका जो एटॉमिक मास है Mg2P2O7 का, ठीक है, ये है 222। 222 अगर मेरे एक मॉलिक्यूल मेरे पास आता है, मतलब इसका जो एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूलर मास जो है वो 222 है, तो 222 AMU अगर मेरे पास दिस सब्सटेंस है तो उसमें 48 ग्राम मेरा और 48 AMU मेरा क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। 1 ग्राम है तो 48 डिवाइडेड बाई 222, और कितने ग्राम आया है रिजल्ट मेरा, 2.3 ग्राम PPT आए हैं या 5.7 PPT आए हैं, वो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो मेरा रिजल्ट मिल गया कि उसमें ऑल ओवर इतना Mg2 पॉजिटिव है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सेम वैसे y डिवाइडेड बाय w मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपकी बुक्स में यहाँ ये 100 जो है, ये 100 या ये 100 की जगह 1000 दे रखा है, दैट इज अ मिसप्रिंट, तो मेरे हिसाब से भैया 100 आना चाहिए परसेंटेज निकाल रहे हैं तो। ठीक है, इसके आगे अब यहाँ से हमें ये समझ में आ गई कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। ठीक नहीं, प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है, अब हम करेंगे प्रेसिपिटेशन होता क्या है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज और क्या क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं, और किस तरीके से मैं अपने प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक तो जॉब सारा रोल पीपीटी 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 एंड पीपीटी का था, चाहे वो कटायनिक आयन हो, चाहे वो अनायनिक आयन, मतलब चाहे वो बेसिक रेडिकल की बात की और चाहे एसिडिक रेडिकल की बात की है, प्रेसिपिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो जितने भी कटायन या अनायन की हम स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस फिनोमिना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो कि मैंने अभी बात की है, ठीक है, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दिस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अभी जो हमारे ये सारा फंडा पूरा चैप्टर प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करता है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, जब हम सॉल्ट लेते हैं उसे पानी में घोलकर ओरिजिनल सॉल्यूशन OS बना लेते हैं, तो वो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाल देंगे जिससे कि वो इनसोल्यूबल फॉर्म में बन गया, और जो ये इनसोल्यूबल फॉर्म बनती है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, आयनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जितने भी आयन्स हैं उन सबका मल्टीप्लीकेशन, उन सबकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन आयनिक प्रोडक्ट कहलाता है, बहुत बार हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपस में क्या रिलेशन है, ये मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अलग से एक पूरी वीडियो है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बस इतना बताऊंगी कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए अगर मुझे PPT बनाने हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होता है और आयनिक प्रोडक्ट उसको एक्सीड कर जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है, तो मेरे पास क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेट बनने की, ठीक है,
कंडीशन ये है कि हॉट सॉल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ठंडे सॉल्यूशन में पीपीटी नहीं बनते, नॉर्मल या हॉट सॉल्यूशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में से पीपीटी नहीं बनते, डाइल्यूट सॉल्यूशन में बहुत अच्छे बनते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, जो भी हम रिएजेंट डालते हैं, जो भी हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डालते हैं, दैट शुड बी एडेड इन स्लो मोशन। ओके, स्लो मोशन मतलब 1 ml डाल दिया, फिर अच्छे से स्टायर किया, ठीक है, फिर 1 ml डाल दिया। तो एक तो ये स्लो स्लो ऐड करना चाहिए, ठीक है, स्लॉट्स में ऐड करना चाहिए। ऐसे नहीं है जी, हमें अगर 10 ml प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, मान लो HNO3 या हम अभी बात कर रहे थे AgNO3 डालना है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि जी मेरा सोल्यूशन है NaCl का और मैंने 10 ml फटाफट से डाल दिया। नहीं, मैं उसे पहले 1 ml डालूंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, स्लॉट्स में डालूंगी, ताकि थोड़ा टाइम तो मिले जो आयंस हैं उनको रिएक्ट करने का और पीपीटी बनाने का। ठीक है, कांस्टेंट स्टीरिंग, क्योंकि जब अगर मैं एक जगह, हम क्या करते हैं सोल्यूशन में कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालते हैं, तो इमिडिएटली तो यहाँ पहुंच रहा है, मुझे क्या करना है, उसे पूरे सॉल्यूशन में फैलाना है। तो इसीलिए कांस्टेंट स्टीरिंग इज मस्ट। ओके, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, अगर मैं मतलब क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स बनाती हूँ, तो वो को प्रेसिपिटेशन को कम कर देता है। ये आगे की बात है, अभी करेंगे। तो ये 2, 4, 5, 7 कंडीशंस हैं जो हमें करनी है। ठीक है, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, दैट इज अ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन, एंड दैट कैन बी कम इन द पेपर। ठीक है, दैट्स इट। एंड अब इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू डील विद द दीज प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इनके साथ डील करनी है कि अब इनका क्या करें, किस किस तरीके से ये अफेक्ट होते हैं। पहले तो ये बात, इनकी सोलुबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट जो है कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर हम क्या करते हैं, मान लो कोई पीपीटी है, आपने ध्यान होगा आपको कि जब मैंने बात की थी कि फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास व्हाइट पीपीटी आ जाते हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि आप उसमें बॉइलिंग वाटर डाल लो, पीपी के पीपीटी घुल जाएंगे और एजी और एचजी के नहीं घुलेंगे। दैट मींस प्रेसिपिटेट्स का टेम्परेचर के साथ एक रोल होता है। ठीक है, कुछ पीपीटी ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर करने पर डिजोल्व हो जाते हैं। पीएच का रोल होता है, पीएच का रोल ना होता तो हम H2S पास कराने में कभी अल्कलाइन मीडियम और कभी एसिडिक मीडियम ना लेते। कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट का भी रोल होता है। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो प्योर वाटर ले, 100% H2O है, या H2O के साथ थोड़ा अल्कोहल भी है, या H2O के साथ थोड़ा सा ऑर्गेनिक और कोई सॉल्वेंट भी है। तो ये भी डिपेंड, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट ही रहेगा या डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूबल हो जाएगा। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब नेचर के अंदर आयंस कैसे कैसे प्रेजेंट हैं, क्या वो कंपेटिबल हैं जो हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाल रहे हैं उसके साथ। ठीक है, अगर कंपेटिबल होंगे तभी तो वो नए कंपाउंड, नए आयंस आपस में जुड़कर आयनिक प्रोडक्ट को ज्यादा करके, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कम करके पीपीटी बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरे आयन प्रेजेंट है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर मेरे पास NaCl का सोल्यूशन है, उसके साथ ही मान लो NaBr भी प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, NaBr भी साथ में क्या कर लेगा, पीपीटी बना लेगा, तो जो मेरा रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ अदर आयन ऑल्सो अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सॉल्ट इफेक्ट, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट या सॉल्ट इफेक्ट आप जिसे कह सकते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मैंने H2S ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 की बात की थी, तो मैंने बताया था कि इसी के बेस पे, सॉल्ट इफेक्ट के बेस पे ही पीपीटी बनते हैं या पीपीटी सोल्यूबल हो जाते हैं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को या सॉल्ट इफेक्ट को कम ज्यादा कर देती हूँ, तो पीपीटी का बनना या ना बनना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार क्या होता है कि कोई आयंस प्रेजेंट होता है, बट उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कि अगर मेरे पास क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड पीपीटी की फॉर्म में नहीं बनता, बट अगर मैं इसमें H2O2 डाल देती हूँ, मतलब हाइड्रोजन परोक्साइड डाल देती हूँ, तो ये क्या करता है, Cr3 पॉजिटिव है, ये 6 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, कोई और कंपाउंड, कोई और आयन की आयन जो है अपना चेंज कर लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दी, और जिसके बेस पे क्या हुआ, हमारा जो आयन है उसका नेचर चेंज हो गया। ठीक है, सोल्युबिलिटी
बढ़ गई या घट गई इस बात पे डिपेंड करता है। पहले पीपीटी नहीं बन रहे थे, बाद में बनने लग गए। दैट मीन्स सोलबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने बात की है, ये हमने बात कर ली कि प्रेसिपिटेट, पहले तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और कौन कौन प्रेसिपिटेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। ठीक है, पार्टिकल साइज का मतलब है कि अगर मेरे पास क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है, प्रेसिपिटेट होगा तो उसका साइज किस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट अगर आ गया उसका साइज किस किस बात पे डिपेंड करेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो टेम्परेचर पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी टेम्परेचर कैसा है इस बात पे। अगर हॉट सॉल्यूशन है तो हो सकता है कि पीपीटी बहुत छोटे छोटे से बने, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर तो ठीक से बने। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द आयंस कैसा है उसके ऊपर। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो है रोल होता है। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है रेट ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, रेट ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था ना कि आपको 10 ml अगर 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 AgNO3 डालना है NaCl सॉल्यूशन में, तो आप एग्जैक्टली एट ए टाइम 10 ml नहीं डाल सकते, आप 1-1 ml करके ऐड करेंगे। क्यों? अगर 1-1 ml करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, तब आपका जो है साइज बहुत अच्छा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसे प्रॉपर टाइम मिल जाएगा मिक्स होकर रिएक्ट करके पीपीटी बनाने में। अगर एक साथ डालेंगे तो जो भी जिसके हाथ जो भी आयन लगेगा वो जुड़ के और क्या करेगा, फटाफट से बैठ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारा ये चीज गड़बड़ आ जाएगी, जो हमारा साइज है वो छोटा आ जाएगा, प्रॉपर बड़े साइज में आयन नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तीसरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का रोल कैसे है? कंसंट्रेशन का रोल ऐसे है कि अगर मेरे बर्तन में जो भी मेरा बीकर, जो भी मेरा टाइट्रेटिंग फ्लास्क या म्यूजिंग कुछ भी मैंने ले रखा है, उसमें अगर जो मेरा आयन जिसकी मैंने स्टडी करनी है, जिसको मैंने पीपीटी बनाना है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, नए रिएजेंट जो मैं प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाल रही हूँ वो डालकर इनके साथ कंबाइन होने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। इसीलिए जो पीपीटी है वो छोटे साइज के और जैसे तैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का ये रोल होता है। और चौथा रोल होता है सोलुबिलिटी का। ठीक है, सोलुबिलिटी, ठीक है, सोलुबिलिटी का रोल क्या है, अगर जो हमारे आयन है उनका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कम है, सोलुबिलिटी SP जो है हमारा वो क्या है, लेस है। लेस होने का मतलब ये क्या करेंगे, फास्ट रिएक्शन करके, फास्ट थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज होते ही क्या करेंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और डिजोल्व हो जाएंगे तो फिर क्या गड़बड़ होगी, वापस से आयन बन जाएंगे। तो अगर ऐसा है, सोलुबिलिटी ज्यादा है तो साइज छोटा बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब सोलुबिलिटी जो है वो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस की वो क्या करती है, वो डिजोल्व, जितना भी सब्सटेंस डिजोल्व है उसकी अमाउंट को जानने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, वो क्या करती है, ये बताती है कि आयन कितने प्रेजेंट है। जो सोलुबल होंगे उतने ही तो पीपीटी बनाएंगे, ठीक है, उसी की तो हम स्टडी करेंगे। तो एक सुपर सैचुरेशन थ्योरी दी थी विमर्न ने, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि वेलोसिटी वो है, वेलोसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेशन किस स्पीड से हो रहा है दैट, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पीपीटी, ठीक है, पीपीटी फॉर्मेशन वो डिपेंड करती है किस बात पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q-S/S। ठीक है, क्यू इज टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज टू प्रेसिपिटेट। जो भी मेरे पास, मान लो NaCl की बात कर रही हूँ, तो NaCl की कंसंट्रेशन कितनी है, जिसको मैंने Cl नेगेटिव, जिसको मैंने पीपीटी आउट करना है। ठीक है, S इज फॉर सोलुबिलिटी। ठीक है, सुपर नेचुरेशन भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है जिसमें क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, जिस कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, इसको हम इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी एक नई टर्म दे देते हैं। ये एक्चुअली सोल्युबिलिटी है, ये मैक्सिमम सोल्युबिलिटी है जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया किसके बीच में, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बीच में। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब समझते हैं सारे, दैट इज सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है,
मैक्सिमम सोल्युबिलिटी या इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी, इसको डिवाइड किया एस से, तो ये जो हमारा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको अगर मैं इसको पूरे को, इस पूरी टर्म को देखूं तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव सुपरनेचुरेशन। ठीक है, रिलेटिव सुपर सेचुरेशन। ठीक है, ये हमारी अब तक की कहानी थी। ठीक है, तो यहां तक मेरे को ये समझ में आया कि अगर रिलेटिव सुपर सेचुरेशन लो है, ठीक है, तो क्रिस्टल का साइज या फिर पीपीटी का साइज जो है वो लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसे ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। रिलेटिव सुपर सेचुरेशन अगर क्या है, लो है। लो होने का मतलब हमारा जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, बट उसकी जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है या फिर इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी है वो कम है। ठीक है, तो ये ज्यादा ये जो इक्वेशन अगर मेरी लो आई, ठीक है, ये दो चांसेस है ना, इस पूरे की वैल्यू या तो लो आएगी या हाई आएगी। लो आएगी तो क्या मतलब है कि ऊपर वाली टर्म क्या है, ऊपर वाली टर्म कम है तभी तो लो आएगी वैल्यू, ये ज्यादा होती तो हाई आती। तो ये कम है तो इसका मतलब ये कम है, तो सुपर जो सेचुरेशन पॉइंट है अगर वो क्या हो जाएगा, वो अच्छा खासा होगा, तो क्यू माइनस एस जो है हमारी कम वैल्यू आएगी और ये पूरी टर्म कम हो जाएगी। ठीक है, तो सुपर सेचुरेशन अगर अच्छी खासी है इसका मतलब उसे पूरा प्रॉपर एरिया, उसका सरफेस एरिया जो है वो कम है और क्रिस्टल जो है बड़े बड़े साइज के मिल रहे हैं। इसी तरीके से ये हाई होगी तो हमारे पास क्या है, क्रिस्टल साइज स्मॉल होगा और सरफेस एरिया लार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम ये इस तरीके से हम क्या है डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो ये कहानी है, इस सारी थ्योरी को आपको कहानी की तरह समझना है और सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, आप लिख खुद ही सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेट का साइज किस किस पे डिपेंड करता है, तो अगर आपको याद है सोलुबिलिटी, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर, ये चार टर्म याद है, तो आप पूरा दो पेज की कहानी लिख सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो, उसके लिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक जो है आपका क्या हुआ, एक पार्ट हो गया इसका प्रेसिपिटेशन का। इसके बाद इसकी जो प्रेसिपिटेट्स है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी कंटामिनेशन क्या होती है और किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये तीन टॉपिक हमारे रह गए जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।